ओहो, सामान वामान पैक हो रहा है, शहर छोड़ के जा रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं हाफ डे लेकर चमकू के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। चमकू के साथ फिल्म देखने नहीं जा सकता? क्यों क्यों क्या क्यों? इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, केस आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मेरे सारे केसेस आगे बढ़ रहे हैं, बट नाउ इट्स टाइम कि मैं अपना पर्सनल केस आगे बढ़ाऊं, चमकू के साथ एक रोमांटिक फिल्म देखूं। मैं लेट नहीं हो जाऊं भाई, सॉरी सॉरी। चमकू के साथ रोमांटिक फिल्म देखेगा मानव ए देसाई, अब तुझे अपनी हॉरर फिल्म दिखाएगा, तू देख। फोन। हेलो चमकू। हाय गुल्ले जी, कैसे हो? बस जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा हूँ चमकू। क्या हो गया गुल्ले जी, आपको किसी गुंडे ने पकड़ लिया क्या? गुंडे ने नहीं पकड़ा है चमकू, बुखार ने पकड़ लिया है, सर्दी और जुकाम भी हो गया है, दर्द से सर फटा जा रहा है। ओहो गुल्ले जी, इतनी सी बात परेशान क्यों हो रहे हो? मैं काढ़ा बनाती हूँ और ऐसा काढ़ा बनाऊंगी ना मैं कि ना मर्ज रहेगा ना मरीज। आप रुकिए, मैं बस दो मिनट नूडल की तरह आ जाती हूँ, ठीक है? बाय। अब आदि का प्लान चौपट और उसकी शक्ल पोपट। चमकू आ भी गए। चमकू कौन हो भाई, तुम किसे मिलना है? पोस्टमैन मानव देसाई के लिए चिट्ठी लाया हूँ। मेरे लिए चिट्ठी? इन्हें ईमेल के जमाने में चिट्ठी कौन लिखता है? वही जिसको पता होता है सामने वाला बोर्डम है, उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो ईमेल कैसे पढ़ेगा? ए लिफाफे की तरह मुंह मत फाड़, चिट्ठी दे और कबूतर ओले। दे 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 दे। चिट्ठी किसने लिखी है मुझे? मानव ए देसाई जी को मेरा सादर चरण स्पर्श। खुश रहो खुश रहो, आप मुझे नहीं जानते, मुझे भी कुछ दिन पहले ही आपके बारे में पता चला, इसलिए आज आपसे मिलने आ रहा हूँ। मुझे जानता नहीं है फिर भी मुझे मिलने आ रहा है। कौन है भाई? आपका बेटा अनुज। अच्छा अच्छा, मेरा बेटा अनुज। गुड मॉर्निंग बॉस, हमने आगे के क्राइम की सारी प्लानिंग कर ली है। वेरी गुड, मैंने भी पुलिस डिपार्टमेंट को हिला डालने वाला तरीका ढूंढ लिया है। झाड़ियों में छुप के। किस झाड़ियों में छुपने की बात कर रहे हो बॉस, अड्डे के पीछे वाली या काली पहाड़ी के पीछे वाली? समझाओ इसे, झाड़ियों में छुप के। अबे झाड़ियों में छुप के मतलब बॉस का तकिया कलाम है। सॉरी बॉस, मैं कल ही ज्वाइन हुआ ना, इसलिए मुझे पता नहीं था। अब तो समझ में आया ना झाड़ियों में छुप के। तुम सब जल्दी से जल्दी क्राइम प्लान करो, क्योंकि मैं पुलिस वालों को ऐसे उलझाऊंगा कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और हम क्राइम करके निकल जाएंगे झाड़ियों में छुप के। अरे गोगुल भाई, कहाँ फंसा दिया मेरे को? तेरा पोस्ट संभालते संभालते हालत टाइट और कपड़े ढीले। आपने ऐसा क्यों किया? इज्जत बचाने के लिए। अगर मैं बेल्ट टाइट नहीं करता तो पैंट इधर रह जाता और मैं उधर चला जाता। पैंट ढीला है, टाइट करवाना पड़ेगा बाबा। पैंट ढीला नहीं, आपका कैरेक्टर ढीला है। कैरेक्टर भी टाइट करवा लेगी। अरे तू कौन है, क्या बोल रही है? अच्छा अब आपको याद नहीं कि मैं कौन हूँ? खुद को याद है मैं कौन हूँ साला। मुझे जवाब चाहिए। मुझे सवाल चाहिए, वो भी ढंग का। जवाब दूंगा, जवाब देने में अपना कोई जवाब नहीं है, समझा क्या? ठीक है, कल रात 9 बजे आपने मुझे सिनेमा दिखाने का वादा किया था। सारी रात सिनेमा हॉल के बाहर खड़ी थी, अब आई क्यों नहीं? अरे ये सब तू क्यों, कौन है तू यार, क्यों गले पड़ रही? तू है कौन? आ, 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 आ,
भगवान, ये क्या मुसीबत है यार, पहले से लोचे क्या कम थे, ये नया लपाटा लपेट दिया तूने भगवान। बेहोश हो गई, तुम्हें होश में कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं? बेटा कहाँ से आ गया यार, मेरा अभी खाता ही नहीं खुला है, सीधा एटीएम कार्ड कैसे आ सकता है? बुल्ले जी। बुल्ले जी। चमकू तुम? हाँ। ये लीजिए काढ़ा और पी लीजिए। हाँ तो मैं पी लूंगा काढ़ा, तुम रख दो मैं बाद में पी लूंगा, तुम जाओ ना। आप काढ़ा आपको अभी पीना है, पूछे क्यों? क्यों? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, आपकी तबीयत खराब है इसीलिए मैं आपके लिए फ्रेश फ्रेश काढ़ा बनवा के आई हूँ, जो मैं आपको पिलवा कर ही यहाँ से जाऊंगी। ये लो पी लो। फटाफट ये काढ़ा पी के चमकू को यहाँ से रफा दफा करता हूँ, वरना इसे अगर मेरे बेटे के बारे में पता चल गया तो मेरा खून पी जाएगी। पियो। पी रहा हूँ। पी लेते हैं, क्या है, काढ़ा ही तो है, पी लेते हैं। काढ़ा है ना, थोड़ा आराम से। ओके। इसे काफी शैम्पू और अंडे का टेस्ट आ रहा था इसमें। वो मैं अपने बालों के लिए अंडे और शैम्पू का मिक्स बनाया था, मैंने गलती से वही आपको दे दिया मैंने। क्या? नहीं, कोई नहीं, मेरे पास है, काढ़ा है, ओरिजिनल में लेके आता हूँ। अब रहने दो चमकू, अब मैं अब यही पी के अच्छा फील कर रहा हूँ, काफी ठीक लग रहा है मुझे, तुम जाओ अब, ठीक है? ऐसे कैसे? वो अंडे और शैम्पू का मिक्सचर था ना, तो अंडे से मेरे बॉडी को बीमारी से लड़ने के लिए प्रोटीन मिल गया। और शैम्पू से? शैम्पू से मेरे अंदर का डैंड्रफ और जुए हुए सब साफ हो गए। अच्छा लग रहा है मुझे, अब अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी फिट, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, तो तुम जाओ ना। ये क्या जाओ जाओ लगा के रखा है गुल्ले जी, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। छुपा? मैं कहाँ? मैं तो ये आप मुझे भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अरे ये ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या? एक मिनट, कुछ तो पढ़ने को मुझे। गुल्ले जी आपका बेटा है और आपने कभी मुझे बताया नहीं। अरे तो मुझे भी किसी ने कभी कुछ नहीं बताया, ये सीधा ये लेटर में ही पढ़ा है मैंने ये। और वो आज यहाँ पर आने वाला है, इसलिए आप मुझे यहाँ से ऐसे निकाल रहे जैसे एक बच्चा समोसे में से आलू निकालता है। देखो चमकू ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है किसी ने मजाक किया है मेरे साथ। अरे बच्चा कहाँ से आ जाएगा, मतलब मेरी शादी नहीं हुई है, शादी का ख्याल कभी दिमाग में नहीं आया, तो बच्चा कहाँ से आएगा? How do I know? रुको मतलब मैं तो सोच रहा था छोटा सा बच्चा आएगा ये इतना। ए भाई मैं तुम्हारा कोई पापा पापा नहीं हूँ। नहीं आप ही मेरे पापा हो, ताली बजा के। देखो यार अगली ताली ना तुम्हारे कान के नीचे बजेगी, समझ रहे हो? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ पापा। लेकिन क्यों नहीं हो? अरे क्यों नहीं हूँ मतलब मैं पापा बन ही नहीं सकता इसलिए। अच्छा मतलब वैसा कुछ प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं, ओ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई और शादी नहीं होती है तो शादी के बिना पापा नहीं बन सकते। नहीं पापा इस जन्म नहीं, लेकिन पिछले जन्म में हुई थी। पिछले जन्म में? हाँ मैं वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन गया था ना, वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि पिछले जन्म में आप ही मेरे पापा थे। मुंह खोलिए डॉक्टर साहब, वो बेहोश है, मुंह कैसे खोलेगी? पता है भाई, अपने आप से बोल रहा हूं, तुम मुंह खोलिए। सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है,
कल से सोया नहीं हूं मैं। इंजेक्शन लगा के मेरी बीबी कहती है कि इस दिवाली को 3 लाख का नेकलेस नहीं दिया ना तो मेरी मेरी जिंदगी की बैंड बजा देगी। इंजेक्शन लगा के कुछ भी ठीक नहीं है यार। आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ है इसको? इसको सदमा पहुंचा है इंजेक्शन लगा कर। सदमा? कैसा सदमा? ये तो आपको ही पता होगा, इंजेक्शन लगा के। तेरे को डॉक्टर किसने बनाया यार? नहीं, मेरा मतलब है कि इनके दिमाग पर किसी बात का गहरा सदमा पहुंचा है इंजेक्शन लगा के। अब इनको प्यार से टैकल करना होगा, प्यार से, वरना ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। जान दे सकती है, जान ले भी सकती है इंजेक्शन लगा के। जानू, मैं कोई तेरा जानू वानू नहीं हूं लड़की। ओके बाय खिड़की। बुरावारी। रुको रुको रुको, क्योंकि मैं तेरा हीरो हूं। और बता यार, चंपू के साथ तेरी ये मूवी डेट कैसी रही? तेरी शक्ल की तरह एकदम घटिया। इस शक्ल को घटिया मत बोल, लड़कियां मरती हैं इस शक्ल पे। शक्ल पे नहीं मरती, ये शक्ल देख के मरती हैं। और जिस दिन तू मेरे हत्थे चढ़ जाना तो तू भी मर जाएगा। तेरी वजह से मारा, मैं चंपू के साथ फिल्म देखने नहीं जा पाया। यार चंपू मेरी ज्यादा फिक्र करती है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी गलती क्या है? तेरी ही गलती है, जो कि तू मेरा पार्टनर बना। जब से मेरी लाइफ में आया, लाइफ के पकौड़े लग गए। लेकिन एक बात कंफर्म है, तू पिछले जन्म में ना एनाकोंडा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस जन्म में भी तेरी बॉडी एनाकोंडा जैसी, और तू लगातार मेरी जिंदगी में जहर घोल रहा है। मैं और एनाकोंडा? तू ना पिछले जन्म पे सरिया रहा होगा, तभी इस जन्म में मेरे यहाँ वहाँ घुसता रहता है। तो घुसा नहीं हूँ मैं, बस ऐसी। मैं भी ना पता करके रहूंगा कि मैं पिछले जन्म में था क्या। हेलो हेलो पीजे पप्पा। पीजे मतलब? पिछले जन्म के पप्पा। कैसे हो? अभी तो मैं बहुत तपा हुआ हूँ, और वैसे भी मुझे ये पिछले जन्म के पप्पा मत कहा कर, एकदम वो पिछले जन्म के पापी जैसी फीलिंग आती है। ठीक है, तो आज से सिर्फ पप्पा ऐसे बुलाऊंगा, ताली बजा के। ये ताली वाली बाद में बजाते रहना, अभी तो मुझे भी अपने पिछले जन्म के बारे में पता करना है, इसलिए मुझे जरा वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले आदमी से मिलवा। ठीक है पप्पा, मैं आज ही आपसे मिलाऊंगा। ओके गुड, अब मुझे पता चल जाएगा कि पिछले जन्म में मैं क्या था, राजा महाराजा। तो आप ही है ना जो पिछले जन्म के बारे में बताते हैं? मैं पिछला जन्म बताता ही नहीं हूं, मैं पिछला जन्म फिल्म की तरह दिखाता भी हूं, बत्ती बुझा के। बत्ती बुझा के क्यों? बत्ती जला के पिछला जन्म नहीं दिखता है पप्पा, ये बत्ती बुझा के इनका तकिया कलाम है, ये तो ऐसे ही आपको पिछला जन्म दिखा देंगे। मैंने बड़े बड़ों को पिछला जन्म दिखाया है, अब मैं तुम्हें अपना पिछला जन्म दिखाऊंगा बत्ती बुझा के। अच्छा तो दिखाइए। लेट जाओ बत्ती बुझा के। पापा कहाँ जा रहे हो? बत्ती बुझा के लेटना है ना। अरे पापा मैंने बताया ना, ये इनका तकिया कलाम है। मैं भूल गया। आप यहाँ लेट जाइए ताली बजा के। अरे यार एक बार डिसाइड कर लो, ताली बजा के लेटना है कि बत्ती बुझा के? तुम वहां पे लेट जाओ। मैं लेट रहा हूँ। लेट गया। ठीक है, अब इस पेंडुलम को ध्यान से देखो बत्ती बुझा के। अब तुम्हारी आंखें
भारी हो रही है, अब तुम्हें नींद आ रही है बत्ती बुझा के। हाँ, अब तुम पिछले जन्म में पहुंच गए हो बत्ती बुझा के। अरे कैसन बा भैया? एकदम ठीक हो भैया। ए पारो, हम आ गए। आ गए का? सुनो तो, खाना क्या पकाए? चूल्हे के लिए तो लकड़ियां नहीं है। तो फिकर का है करती हो? तुम्हारे लिए तो दुनिया भर की लड़कियां लकड़ियां ले आएंगे। जमींदार तोतामल जी, आप यहाँ ऐसे अचानक? हम अपना लगान लेने आया हूँ। अब तक हमरा लगान काहे नहीं चुकाया बे? मालिक, इस साल फसल अच्छा नहीं हुआ है मालिक। लेकिन तारा खेत तो एकदम हरा भरा दिखे। दिनो चुपचाप लगान दे दे, वरना तेरा हरा भरा खेत हम अपने नाम कर लेंगे। ए दुर्जन सिंह, खबरदार! नाम ना ले छोटे मालिक। बोल छोटे मालिक। आदिश, तू पिछले जन्म में जानवर था, पर इस जन्म में मेरा पार्टनर बन गया। अब तू देख, अब इस जन्म में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आदिश, अब रे छापने ना, मैं कछु ही छाप देने। क्या हुआ क्या डीआई जी? सालवी जी, देखो खबर छपी है कि राम स्वरूप ने चोरी करी है, फल स्वरूप पकड़ो गयो। अब बताओ, जब इनको मालूम है कि राम स्वरूप ने चोरी करी है तो फल स्वरूप को काय पकड़ लियो? मतलब अन्याय है रोय, पब्लिक के साथ में घोर अन्याय है रोय। बाप रे, पूछो मतीना। वाह 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 वाह, अन्याय करने वाला खुद कह रहा है कि अन्याय हो रहा है। कौन ने किया अन्याय सर? पैर नीचे करके बात कर तोतामल, ये पुलिस स्टेशन है, तेरी जमींदारी नहीं। ये का कह रहे हैं तोतामल? जमींदारी तेरे पाप का घड़ा भर चुका है तोतामल। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमने किया क्या सर? अपनी जमींदारी का बड़ा गुरूर है ना तुझे, तेरे गुरूर को चूर चूर उसकी बहुत पहले ही जान ले लेनी चाहिए थी उसकी। अरे उसकी हालत देख यार, उसे जान की जरूरत है, तू उसकी क्या जान लेगा? अपना डीआईजी यार वो अपना। हाँ सही है, तेरा तो अपना ही है। एक बदमाश की औलाद तो अपने खून का ही साथ देगी ना। बकरा यार मानव, पक नहीं रहा हूं मैं। गंदी नाली के कीड़े हो तुम दोनों, और जो भी तुम्हारे साथ आता है या तो बीमार पड़ता है या मर जाता है। होश में मानव, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? हो गया है नहीं, हो गया था, लेकिन अब जो होगा ना वो तुम दोनों के साथ होगा। मानव क्या हो गया? अरे मानव, समझ में ना आ रहा है। मान यही जी मटी को जाओ। मानव मानव, मेरी बात तो सुन। बस दुर्जन सिंह बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तू क्या वहां से पैदल चल के आया क्या? तुझे कैसे पता? नहीं, जब भी तू पैदल चलता है ना तो तू दिमाग से भी पैदल हो जाता है। तू बार बार डीआईजी को जमींदार तोतामल कह रहा था, और मुझे यहाँ पर दुर्जन सिंह, क्या हो क्या गया तुझे? मुझे सच्चाई पता चल गई है दुर्जन सिंह। गुल्ले जी, कोड़े जी, खोगुल बाबू को किसी ने देखा है? मैं देखने जैसा क्या है? हाँ लेकिन तुम में बहुत कुछ है पारो। पारो? और इससे पहले कि दुर्जन सिंह अपनी गंदी नजर तुम पे डाले, तुम भाग जाओ पारो, यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ पारो, भाग जाओ। नींद से जाग जाओ। क्या हो गया? मैं खोगुल मामू के लिए परेशान हूँ और तुम क्या अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हो? चंकू चंकू चंकू, ये तो सठिया चुका है क्रैकपॉट।
तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या? खोगल सर की टेंशन तुम्हें क्यों हो रही है? मैंने खोगल मामू को फोन किया था, पूछे क्यों? क्यों? उनसे बात करने के लिए और क्यों? तो तूने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैं उनके घर चले गए तो मुझे वहां नहीं मिले। मुझे लगा यहाँ पर मिलेंगे तो वो यहाँ पर भी नहीं है ऑफिस में। तो समझ नहीं आ रहा, खोगल मामू तो ऐसे गायब हो गए जैसे कि प्लेट के ऊपर से पनीर पकौड़ा गायब हो जाता है।